गाजा में इसराइल के ऑपरेशन से तिलमिलाया हमास एक बार फिर अटैकिंग मोड में आ गया है। लड़ाकों की ओर से गाजा में जवाबी कार्रवाई से इसराइल को लगातार झटकों पर झटके लग रहे हैं। हमास के खूंखार रुख के चलते कई इजरायली बलों ने अपनी जान तक गंवा दी है। बावजूद इसके इजरायली पीएम नेतन्याहू गाजा में अपना ऑपरेशन युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाते दिख रहे हैं। दावा है कि इजरायली बलों को गाजा के उन इलाकों पर अपना सैन्य ऑपरेशन फिर से शुरू करना पड़ा है जहां वो पहले हमास के सफाए का ऐलान कर चुके हैं। ऐसे में इसराइल हमास जंग के और गहराने की आशंका बढ़ गई है। इस बीच फिलिस्तीनी प्रतिरोध ने दावा किया कि गाजा में दाखिल इजरायली फोर्स को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। खासतौर से हमास के अल कसम ब्रिगेड ने जबालिया रिफ्यूजी कैंप में एक खतरनाक ऑपरेशन को अंजाम दिया है। इसका खुलासा करते हुए मिलिट्री विंग के सैन्य प्रवक्ता अबू ओबैदा ने आधी रात को बताया कि प्रतिरोध सेनानियों ने कई इजरायली बलों को मार डाला तो कई जवानों को बुरी तरह जख्मी करने का दावा किया है। इतना ही नहीं, ब्रिगेड ने कई इजरायली बलों को अपनी कैद में रखा है। अबू ओबैदा ने बताया कि ऑपरेशन के पहले फेज में प्रतिरोध सेनानियों ने इजरायली बलों को एक सुरंग में फंसाया, इसके बाद घात लगाकर हमला किया जहां आईडीएफ के कई जवान मारे गए जबकि कई बुरी तरह से घायल भी हुए। लड़ाकों ने विस्फोटकों का इस्तेमाल कर निशाना बनाया और सीधे हमले को अंजाम दिया। इसके बाद इजरायली बलों के सैन्य साजो सामान को जब्त किया गया। बता दें कि जबालिया रिफ्यूजी कैंप कई इजरायली सैन्य अभियानों का गवाह रहा है, इनके भयंकर टकराव भी देखने को मिले। कैंप और जबालिया शहर पर हरेक हमले के बाद इजरायली सेनाओं की ओर से दावा किया जाता है कि उन्होंने प्रतिरोध सेनानियों से इलाके का सफाया कर दिया है। इस बीच बताया जा रहा है कि हालिया हमला बीते 7 अक्टूबर के बाद का सबसे भीषण आक्रमण रहा है। अकेले शनिवार को ही अल कसम लड़ाकों ने 2 इजरायली मरकवा 4 टैंकों पर 2 स्थानीय रूप से निर्मित टेंडम रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड, जिन्हें अल यासिन के नाम से जाना जाता है, को गोली मारकर उड़ा दिया। अल घोल स्पाइनर राइफल से लैस एक स्नाइपर यूनिट ने कैंप के उत्तर पूर्वी हिस्से में अल कसम या में एक इजरायली सैनिक को गोली मारकर ढेर कर दिया। अल कसम यूनिट ने जबालिया कैंप की एक इमारत में बने विस्फोटकों में भी जबरदस्त ब्लास्ट किया। इससे इमारत में इजरायली बलों के स्पेशल यूनिट के सदस्य मारे गए और घायल हो गए। वहीं ब्रिगेड के लड़ाकों ने जबालिया कैंप में ही 2 अलग अलग इलाकों में 2 इजरायली मरकवा 4 टैंकों को भी निशाना बनाया। गाजा के सबसे दक्षिणी शहर रफा में अल कसम फाइटर्स ने फिलिस्तीनी इजिप्ट बॉर्डर पर तैनात एक इजरायली टैंक पर गोलीबारी की। अपनी ओर से फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद यानी PIJ और अल कुद्स ब्रिगेड ने घोषणा की कि उसके रॉकेट बल ने पूर्वोत्तर रफा में इजरायली बलों और बख्तरबंद वाहनों के एक समूह को 107 mm रॉकेट से सीधे निशाना बनाकर तबाह किया। अल कुद्स ब्रिगेड की मोर्टार यूनिट ने जबालिया में अल कसिब पड़ोस में इजरायली सैनिकों की टुकड़ी पर बड़ी संख्या में 60 mm के गोले भी दागे।